नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। शाम को नितिन ऑफिस से घर आया तो उसने अपनी पत्नी सुजाता को आवाज लगाते हुए कहा, सुजाता कहाँ हो तुम, जल्दी यहाँ आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुजाता बेडरूम के अंदर से जल्दी से बाहर आई और नितिन से बोली, क्या हुआ जी? नितिन बोला, आज पिताजी का फोन आया था, उन्होंने हमें गांव बुलाया है। सुजाता ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। नितिन और सुजाता ने लव मैरिज की थी, इसीलिए नाराज होकर नितिन के पिताजी ने उससे बात करना बंद कर दिया था। आज 5 सालों के बाद उसके पिताजी ने उसे गांव बुलाया था। पहले नितिन के पिताजी शहर में रहकर एक स्कूल में टीचर की नौकरी करते थे और अब रिटायरमेंट के बाद वो गांव में ही जाकर रहने लगे थे। नितिन लगभग 20 सालों बाद गांव जा रहा था। इसके पहले वो शहर में ही रहा करता था, बीच में कभी गांव नहीं गया था। जल्दी ही नितिन और सुजाता गांव पहुंच गए। नितिन जब स्टेशन पर उतरा तो उसके पिताजी ने उसे लाने के लिए एक गांव के ही लड़के को भेजा हुआ था। गांव का स्वच्छ और शुद्ध वातावरण, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, फलों के बगीचे, फूलों के खेत, सब्जियों की क्यारियां देखते देखते रास्ता कब कट गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। सुजाता को भी गांव बहुत ही पसंद थे। एक जगह गांव में गुड़ बनाया जा रहा था, वहां से उन्होंने ताजा गन्ने का रस पिया। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच गए। नितिन घर पहुंचकर अपने मम्मी पापा से मिलकर बहुत खुश हुआ। नितिन की मम्मी ने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। नितिन पूरे 20 दिनों की छुट्टी लेकर गाँव गया हुआ था, उसे घर पहुंचे हुए 5 दिन हो चुके थे। एक दिन उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा गांव में लखन चाचा है ना, उनके यहाँ आज पूजा रखी गई है तो हमें भी सपरिवार जाना है, तुम बहू से कह देना, वह भी तैयार हो जाएगी। लखन चाचा का नाम सुनते ही नितिन का चेहरा फीका पड़ गया। वो मलिन सा चेहरा लिए हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचा। सुजाता ने उसके मुरझाए चेहरे को देखा तो घबराते हुए पूछने लगी, क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नितिन ने धीमी आवाज में कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन सुजाता अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी, वह समझ गई थी कि नितिन बहुत परेशान है। उसने प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा, बताओ ना क्या हुआ, आप मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे अपनी परेशानी? नितिन बोला, वो आज पिताजी ने कहा है कि हमें लखन चाचा के यहाँ पूजा में जाना है। सुजाता बोली, हाँ तो? नितिन जमीन की ओर देखते हुए बोला, लखन चाचा का जो बड़ा बेटा धवल है ना। बोलते हुए नितिन का गला रुंध गया। सुजाता हैरान परेशान सी दौड़ती हुई उसके लिए ठंडे पानी का गिलास ले आई। नितिन को पानी पिलाकर सुजाता ने फिर पूछा, क्या हुआ बताइए ना? नितिन सिर झुकाए हुए बोला, धवल मुझसे 7 साल बड़ा है, बचपन में उसने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत की थी। उस समय माँ और पिताजी शहर में थे और मैं दादी के पास रहने के लिए आया हुआ था। पिताजी बहुत कड़क स्वभाव के इंसान थे और छोटी मोटी गलतियों पर भी मुझे बहुत डांटते और मारते थे। मुझे पिताजी के गुस्से से बहुत डर लगता था। धवल खेलते हुए मुझसे दोस्ती बढ़ाने लगा था, मैं लगभग 8 साल का था। एक दिन केक और बलून दिखाकर वो मुझे भरी दोपहरी में खेतों की ओर ले गया और फिर उसने वो किया जिसकी कल्पना मात्र से आज भी मैं सिहर उठता हूँ। उस समय मुझे ज्यादा समझ भी नहीं थी, किसी ने मुझे उन अनचाहे स्पर्शों से अवगत ही नहीं कराया था। फिर भी उस समय वो स्पर्श बहुत घिनौना लगा। कहते हुए नितिन का स्वर कांपने लगा और उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। सुजाता ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। नितिन ने आगे कहा, जानती हो उस घटना के बाद से मैं घर से बाहर निकलने से भी डरता था। रात को सोते हुए अचानक चौंक कर उठ जाता, फिर देर तक सिसकता रहता था। कोई भी मेरा दर्द समझने वाला नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी से कुछ कहता, क्योंकि उसने मुझे धमकाया था कि वो पिताजी से मेरी झूठी शिकायत करके मुझे पिटवा देगा। मैं बच्चा ही तो था, डर गया और चुप रह गया। ऊपर से वो ठहरा मेरा दूर के रिश्ते का बड़ा भाई। मुझे लगा पिताजी उसकी शिकायत सुनकर मुझे ही दोषी समझेंगे। कुछ महीनों में पिताजी मुझे भी शहर लेकर चले गए और मैं भी वक्त के साथ धीरे धीरे सब भूल गया। फिर शहर आकर मैं दोबारा कभी गाँव नहीं गया। कभी जरूरत पड़ती तो पिताजी ही गाँव चले जाते और मैं माँ के साथ शहर में ही रह जाता था। फिर बड़े होकर जब तुम्हारा हाथ थामा और पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया, तब से तो सबसे अलग ही हूँ।
अब देखो पिताजी ने बुलाया भी तो गांव में, और अब आज उस इंसान के घर भी जाना पड़ेगा। सुजाता का मन अपने उस अनदेखे जेठ जी के प्रति घृणा से भर उठा। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत जाकर उस घिनौने इंसान का मुंह नोच ले जिसने नितिन के बचपन को कड़वी यादों से भर दिया था। नितिन अनमना सा था, वो धवल के यहाँ जाना नहीं चाह रहा था, और वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुजाता पर धवल की परछाई भी पड़े। लेकिन पिताजी के आगे वो आज भी कुछ कह नहीं सका, और अनमने ढंग से तैयार होकर वो सुजाता के साथ धवल के घर पूजा में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गया। उसके घर गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगा हुआ था। पूरे आंगन को मिट्टी और गोबर से लीपा गया था। आंगन में चादर बिछी थी जिस पर पूजा में बैठने की व्यवस्था की गई थी। पंडित जी भी आए नहीं थे तो लोग आपस में गप्पे लड़ाने में व्यस्त थे। नितिन की नजरें धवल को ढूंढ रही थी ताकि वो सुजाता को सचेत कर सके, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चाचा जी बाहर से फल लेकर आए और अंदर जाकर धवल को बाहर लेकर आए। धवल को देखते ही नितिन स्तब्ध रह गया। धवल व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। नितिन ने माँ से फुसफुसाते हुए कहा, धवल को क्या हुआ माँ? उसकी माँ धीमे स्वर में बोली, अरे बेटा बड़ा अभागा है बेचारा, बहुत धूमधाम से इसकी शादी हुई थी, बड़ी सुंदर दुल्हन आई थी इसकी, फिर पता नहीं क्या हुआ, सुहाग रात से ठीक पहले इसे कुछ होने लगा और इसके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। इसकी दुल्हन भी इसे छोड़कर चली गई। ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाता है, ईश्वर भी ना जाने कैसे कैसे खेल रचता है। माँ की बात सुनकर नितिन मन ही मन बुदबुदाया। ईश्वर ने तो न्याय ही किया है माँ। नितिन ने धवल की ओर से मुंह फेर लिया। उसके गुनाहों के लिए ये सजा ही न्याय संगत थी शायद। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को सही गलत की शिक्षा तो देनी ही चाहिए, इसके साथ ही उनसे इस प्रकार का संबंध बनाना चाहिए ताकि कोई भी उनका नाजायज फायदा ना उठा पाए, और बच्चे अपने मन की हर बात माता पिता से खुलकर कह सके। उन्हें बचपन से ही खुद से जोड़े रखना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, बच्चों के साथ ढेर सारा समय बिताना चाहिए। माता पिता और बच्चों के बीच आपसी भरोसा होना चाहिए। कम से कम इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि कोई बच्चों को धमका कर उनके साथ कुछ गलत न कर सके। और इन सब मामलों में बहुत से लोग लड़कों को सुरक्षित समझते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कों के साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन लड़का हो या लड़की दोनों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें बचपन से ही उन्हें सतर्क रहना सिखाना चाहिए और धवल जैसे बुरे लोगों से उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। बच्चों के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाना चाहिए, ना कि डर भरा रिश्ता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।